जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:32 हुए, 3:32 PM। मार्केट अभी 2 मिनट पहले क्लोज हुआ है और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आपका जो वीडियो आएगा वो तो शाम को ही आएगा, रात को मतलब। ये मैंने अभी अभी एक पोस्ट डाला था लेकिन आप लोग को नहीं दे पा रहा था क्योंकि मार्केट बंद होने आ रहा था और मेरी कुछ पोजिशंस थी, मुझे भी ऊपर नीचे घुमाना था, इसीलिए सॉरी गाइस। ये मैंने 3:26 पर डाला। देखिए अभी तक मेरे पास कोई क्लू नहीं है मार्केट क्या होने वाला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कल ज़बरदस्त बुलिश है मार्केट, कल ज़बरदस्त। तो मैंने ये रीज़न लिख दिया था मेरे फॉलोवर्स को, तो मार्केट बिग बुलिश टुमारो, रिस्क टेकर्स कैन टेक होम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बाई पोजिशंस। रीज़न, निफ्टी स्पॉट विल क्लोज अबव यस्टरडेज हाई ऑफ 9093। ये मैंने रीज़न दिया था। और कल बैंक निफ्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ेगा। मैंने अभी किसी ने मुझे मैसेज भेजा कि जी बिजनेस में कोई न्यूज़ आ रही है कि बैंकों को वो जो कुछ प्रोविजंस बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बोली है, और तो उस हिसाब से इसके कारण से बैंक निफ्टी गिरा। मुझे कहीं गिरावट नहीं लग रही है बैंक निफ्टी में कहीं भी। अगर उसको गिरना होता, सुन लीजिए आज, हालांकि मेरा स्टॉप लॉस हो गया था आज, तो ये आज 500 के नीचे ट्रेड करा देता। लेकिन ये देखिए, अगर स्पॉट में तो इसने 600 भी नहीं तोड़ा आज, 600 भी नहीं तोड़ा। आप देखिए, मैं अभी चार्ट से समझाता हूँ 2 मिनट में, क्लोजिंग क्या आती है वो तो मुझे मालूम नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको ये रीज़न इसलिए दिया हूँ कि मुझे कल बहुत बड़ी बुलिश, खाली बुलिश नहीं, कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश हो सकता है मार्केट। चलिए बैंक निफ्टी आपको बताता हूँ पहले, फिर मैं आज शाम को एनालिसिस तो करूँगा ही, लेकिन मैं आपको 3:32 पे इसलिए बनाया कि कहीं कोई बोल देगा कि सर इनको तो बाद में बोल दिया ऐसा, तो ऐसा नहीं। देखिए बैंक निफ्टी ने 19 तारीख को हाई बनाया था 175 का, 18175, और लो बनाया 17390। 20 तारीख को इसने हायर लो बनाया लेकिन हाई नहीं बनाया, और आज इसने हायर हाई भी बनाया और लो भी सबसे हायर बनाया 740 का, 658 का। तो तीनों दिन का सबसे हाईएस्ट लो और हाईएस्ट हायर लो है और हायर हाई है। तो कल बैंक निफ्टी को तो शायद ही कोई ताकत भी लगाने से रोक पाएगा, पूरी ताकत भी लगा लेगा तो शायद रोक नहीं पाएगा कल बैंक निफ्टी को भागने से। तो कल आप 18300 से लेकर 18700 का रेंज कल डेफिनेटली देखोगे, और उसमें कल भागने वाले मैं लिख देता हूँ, अभी बोल देता हूँ, बिना चार्ट के बोल रहा हूँ, SBI भागेगा। जो आज भी भागा, आज भी एक नया हाई बनाया उसने 56 का, आप देख लो डेली एक नया हाई बना रहा हो। मैं जब भी बोल रहा हूँ SBI नीचे मिलता है बाय करिए। देखिए आपको दिखाता हूँ SBI, कल इसने डोजी बनाया था 151.15 का लो था, आज का लो देखिए आप 151.50, कल का हाई क्या था 155.25, आज का हाई 156.15। नया हाई बनाया, लोअर लो बनाया, कल SBI फाड़ के रख देगा, कहीं 165 या 70 नहीं चला जाए कल, कल SBI 165 या 70 नहीं चला जाए, ठीक है। इसका मतलब कल PSU बैंक से ही भागेंगे, ये जो भी मीटिंग वीटिंग जो भी न्यूज़ आई मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा चार्ट क्लियर कट बोल रहा कि कल बैंक निफ्टी लीड करेगा और ज़बरदस्त भागेगा, और बैंक निफ्टी अगर गिरना होता तो आज 17500 को भी तोड़ता, हो तो 7650 को नहीं तोड़ा, कल जहाँ टॉप बनने वाला था वहाँ तो उसको तोड़ ही नहीं रहा। और दूसरा आप निफ्टी का देख लेते हैं आज क्या क्लोजिंग आई है, अगर कल की हाई से ऊपर क्लोजिंग आई तो फाड़ के रख देगा कल मार्केट, लेकिन मेरा एनालिसिस रात को आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये मैं आपको इमीडिएटली इसलिए बता रहा हूँ कि ये नॉलेज आपको सीखना चाहिए कि कैसे। तो कल का हाई आप देख लो दोस्तों, कल का हाई था 9093.80, ठीक है, और आज की क्लोजिंग 9106। मैं तो 9100 के आसपास सोच रहा था, फाड़ के रख देगा कल, कुछ नहीं बचने का कोई चांस नहीं है बीयर्स का, कल लगा लो जितने भी न्यूज़ जितने भी दम कल। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।